कर रहे हैं कि कैसे भी एलिमिनेट किया जाए, बट ये ग्रेनेड परफेक्ट और ये वाला उससे भी ज्यादा परफेक्ट, दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले फिलहाल के लिए जॉनसन का हमें देखने को मिलता है, बाकी को वहां पे ब्लास्ट किया गया। ये जॉनसन एक और फिनिश अपनी टीम के लिए लेके जाने वाले, यहाँ पे नहीं वहां पे रिलोड किया जाएगा, ब्लास्ट की गई बाकी, बट अभी भी वो प्लेयर जॉनसन बड़ी आसानी से हो सकता है कि ये चिकन डिनर वो निकाल के जाए, बट जॉनसन जैसी तबाही अगर आपके सामने यहाँ पे मौजूद रहेगी, 1v1 की फाइट होने वाली, ग्रेनेड बहुत ज्यादा बढ़िया जरूर, पर मुझे नहीं लगता वो ठिकाने पे जाने वाला, एक्चुअली वो ठिकाने पे क्या, ग्रेनेड सामने जॉनसन प्रोन आपको दिखाई देंगे, 1v1 का सिचुएशन है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया कोया, किसी बहुत ज्यादा कम, जॉनसन वो भी अपने आप को हील करेंगे, बट देखना क्या है कि कोई आगे उठेंगे या नहीं, देखना पड़ेगा, बट जॉनसन को वापस स्पॉट किया गया, डैमेज करने की कोशिश, जॉनसन अपने आप को हील कर चुके हैं वापस से, 1v1 की वो जो फाइट है हमें देखने को मिली, इस मैच में कोशिश रहेगी फिनिशर्स भी निकालने, साथ में प्लेसमेंट भी डैमेज अपोलो के द्वारा बहुत ज्यादा दिया गया, ये पीक एंड फायर बहुत ज्यादा बढ़िया था, एक ओपी में भी गेम चेंज कर सकते हैं, मे बी एडवांटेज दे सकते हैं 8 बिट को सर्कल में जाने के लिए, एक की तरफ से स्प्रे आता है, ही टेक्स डाउन वन, बट उन्होंने गोल्डी बाई को देख लिया एंड गोल्डी यहाँ पे प्रोन होते हुए नजर आएंगे, स्मोक डिप्लॉय किया बट उससे पहले हेड कनेक्ट हो जाएगा एक का, उनको कोई भी अंदाजा नहीं है यहाँ पे वो आगे जरूर बढ़ रहे हैं, बट मैं ये देखना चाहूंगा क्या वो स्पॉट होंगे या फिर नहीं, ओ लीजिए उनको स्पॉट कर लिया गया, सोनिक फॉक्स आखिरी खिलाड़ी, उनकी पोजीशन पता है, ओपन से पुश करना इज नॉट गोना बी अ ग्रेट डिसीजन, वो अकेला खिलाड़ी था जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी और उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन अच्छा, बट आतंकी की तरफ से स्लैम एंड व्हाट सेकंड नॉक ऑन मैड मैक्स एज वेल, ये आतंकी अलग लेवल पे खेलते हुए नजर आएंगे, एंड नाउ इट्स अ 1v1 एचपी नहीं है, ही इज वेरी लो वेरी वीक, एंड यहां पे आदित्य को कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला, उनके फुटस्टेप कंप्लीटली आ चुके हैं, रेक्स टीबीबी एंगल पे खेल रहे हैं, ही इज वाइड स्विंगिंग, टेक डाउन वन, ओ माय गॉड, माइट जस्ट वाइड द सेकंड, एक एचपी बचते हुए आपको नजर आएंगे एगी यहां पे, एंड ही टेक्स हिम डाउन एज वेल, शिज और निकाल पाएंगे क्या, एक नॉक भी निकाल पाना पॉसिबल है, फाइनली पोजीशन चली जाएगी, डार्क लॉर्ड जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं उनकी तरफ लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से पुश आ रहा है, एंड ही can't do anything, goes inside, finds Whoa. one, finds the second one as well, and it's already a 1v2, matlab keval 3 ammo, क्या उनके पास केवल 3 आमो है, वो अभी भी हमें देखना पड़ेगा, रिलोड किया जी बिल्कुल, चलिए उन्होंने रिलोड किया बट वो गलत जगह गलत टाइम पे उठ गए, जॉनसन की जो पोजीशन थी वो ऑलरेडी रिवील हो गई, और इसी बीच एंटिटी शैडो की बात करें आरू के द्वारा डाउन किए गए जॉनसन, एचपी बहुत कम, अपने आप को हील करेंगे, बट वो जॉनसन का जो मॉली था वो एक्चुअली में कनेक्ट होगा, आरू को डाउन किया गया, ह्यूमनॉइड लास्ट प्लेयर बचे हुए, उन्होंने सी गॉड को यहाँ पे डाउन किया, गॉड लाइक इज विनिंग दिस गेम, बट क्या कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पे, डाइनी सर्कल में आने का प्रयास करते हैं, ही मैनेजेस टू कम इन, बट जेली यहाँ पे उनको डाउन करते हैं एंड जेली को फिनिश ऑफ क्लच गॉड कर देंगे, नो वो जो थोड़ी देर का शांति था जेली का वो फाइनली जाता है, बट गास्टी की तरफ से यहाँ पे जी गॉड को डाउन किया जाता है, जिनके हाथ में था एक पैन, गास्टी का एक क्लच मूवमेंट हो सकता है, ओपन में जाना पड़ेगा, दोनों चुपकन है, दोनों SMGs हैं, उसी के साथ स्प्रे करने का प्रयास, बट नहीं, अब यहाँ पे शिफ्ट किया, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, नियो को देख लिया, नियो को डाउन किया, they're trying to pan him, he gets 3, it's just one left, can Gusty clutch it, the answer is no.